मुजफ्फरपुर स्थित सिकंदरपुर स्टेडियम में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय अंतर जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 26 से 28 फरवरी तक आयोजित होने वाले प्रतियोगिता का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजन समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना द्वारा कुल 9 तकनीकी पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में बिहार के 38 जिले एवं एक एकलव्य केंद्र कुल 39 टीमों से लगभग 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में शामिल सभी खिलाड़ियों को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। वहीं बच्चों ने काफी उत्साह के साथ भाग लिया। इस मौके पर उपस्थित खेल विभाग पदाधिकारी और अन्य लोग मौजूद थे। मुजफ्फरपुर से शीला चंद्रा की रिपोर्ट। कला संस्कृति एवं युवा विभाग और जिला प्रशासन के तत्वावधान में पूरा राज्य स्तरीय पूरे बिहार के सभी जिलों के प्रतिभागी आज भाग ले रहे हैं। ये अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग की बच्चियों का बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित कराया जा रहा है। ये मुजफ्फरपुर जिला के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन हम लोग करा रहे हैं और तीनों कैटेगरी में हम लोग करा रहे हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये 3 दिवसीय जो खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है ये काफ़ी बेहतर तरीके से होगा। आज इसका शुभारंभ किया गया और आप जैसा देख सकते हैं कि सभी जिलों के प्रतिभागियों ने यहाँ प्रतिभाग किया है, तो हम लोग पूरी तरह से उम्मीद करते हैं काफ़ी सफल आयोजन सिद्ध होगा। और बैडमिंटन जो खेल है हम लोग देख रहे हैं कि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग इसको खेल भी रहे हैं और राज्य स्तर पर और देश के स्तर पर, इवन विश्व के स्तर पर कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो लोगों में भी आकांक्षाएं पनपी और हम लोग चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर से भी काफ़ी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करें और बिहार से भी लोग काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करें, ताकि आने वाले दिनों में इस खेल का और यहाँ के खिलाड़ियों का और विकास हो।